विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित विष्णु प्रसन्न नाग की स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित है। काशी बैठक संगीत सभा दिल्ली, इसके साथ ही श्री नागरी नाटक मंडली न्यास और कला प्रकाश की संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपने मुख्य अतिथि को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगी। मैं अनुरोध कर रही हूँ अशोक कपूर जी से कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सादर मंच पर लाएं और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को भी आप सादर मंच पर लाएं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, उनके सहयोगी अशोक कपूर जी, हमारे मुख्य अतिथि पंडित किशन जी महाराज और विशेष अतिथि पंडित छनूलाल मिश्र जी, आपके शुभ हाथों से पंडित विष्णु प्रसन्न जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और उनकी तस्वीर पर माला अर्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। किशन जी महाराज चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी भी पंडित विष्णु कुमार जी के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के सहयोगी कला प्रकाश की ओर से अशोक कपूर जी, मैं निवेदन करूंगी पंडित राजेंद्र प्रसन्न जी से कि हम सब की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशेष अतिथि महोदय को माला अर्पण कर उनका स्वागत करें। महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए हमारे विशेष अतिथि पंडित छनूलाल मिश्र जी, काशी की संगीत की महफिल, काशी की संगीत की बैठक जो विश्व प्रसिद्ध है, उसका उस परंपरा का निर्वहन दिल्ली में हो रहा है। काशी बैठक संगीत सभा की ओर से काशी का बुरस, संगीत का वो माहौल पंडित राजेंद्र प्रसन्न द्वारा विगत 3 वर्ष से हर महीने ये बैठक होती है और उसी की कड़ी में आज ये स्मृति समारोह आप कह सकते हैं पंडित विष्णु सिन्हा जी के लिए यहाँ पर हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रही हूँ, हमारे बीच विशेष अतिथि मौजूद हैं पंडित छनूलाल मिश्र जी, कि आप हमें संबोधित करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारे विष्णु प्रसन्ना जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और बड़े सुरीले बड़े अच्छे कलाकार थे। ऐसे ऐसे कलाकार का अगर पुण्यतिथि मनाया जाए तो उससे संगीत का प्रचार प्रसार होता है और काशी में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं के थे। और काशी एक ऐसा शहर है कि जहाँ का 3 नाम है, काशी, वाराणसी और बनारस, और कहीं का 3 नाम नहीं है। क्यों है कि काशी वो है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। उसका दायरा कितना है, कहे वाराणसी बरना से लेके 80 तक। और महत्व क्या है कि यहाँ की भाषा और यहाँ के संगीत का जो रस है वो हमेशा बना रहता है, कभी बिगड़ता नहीं है, इसलिए उसको बनारस कहते हैं। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, राजेंद्र प्रसन्ना को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बड़े अच्छे बजाते हैं।
हमारे कई कैसेट भी उन्होंने बजाया है सीडी में। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब आप सुनने बैठे तो इसको केवल मंच और स्टेज न समझें, इसको मंदिर समझें। मंदिर है तो मंदिर में किस श्रद्धा से आप जाते हैं, कैसे शांति से बैठते हैं, तब उसका आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन आप मंदिर समझ के अगर बैठेंगे तो सत्य आनंद का अनुभूति होगा, और जब सत्य आनंद का अनुभूति होगा तो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद भगवान का दर्शन होगा। संगीत में इनको सच्चिदानंद कहा है भगवान शंकर ने, जय सच्चिदानंद पर धाम, भगवान शंकर का नाम रखा हुआ है, हमारा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि संगीत का जो कार्यक्रम रहता है तो संगीत में भगवान का वास होता है। एक बार नारद जी ने पूछा है, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते हैं, रमंते योगिनो जस्मिन, या वैकुंठ में रहते हैं? भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ नारद, और योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ कि मद भक्ता जत्र गायंती, जहाँ मेरा भक्त स्वर लय में गाता है तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ, ते ही सबसे बड़ा मंदिर है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं मंदिर में रहता हूँ, लेकिन संगीत में रहता हूँ। इसलिए संगीत का महत्व है, और संगीत का कार्यक्रम अगर होता रहे तो बहुत भाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरा शुभकामना, मेरा आशीर्वाद राजेंद्र प्रसन्ना को है कि बढ़िया बजावें और अपनी कला हम लोगों को दिखावें। धन्यवाद। ईश्वर का साक्षात मंदिर, और इस मंदिर में हम सब सर नवाए खड़े हैं, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए आंख उठाए हैं उनकी ओर, और इस वक्त उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच मौजूद है हमारे परम श्रद्धे पंडित किशन जी महाराज। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करें। उपस्थित बनारस के संगीत प्रेमी भाइयों बहनों, बचपन से हम लोग बहुत सा मंच प्रदर्शन किया है और बहुत से कार्यक्रम किया है, तो बड़ों ने सिखलाया है कि जिस मंच पर बैठ के कोई बढ़िया कार्यक्रम कर दे तो उसके बाद तुम्हें उचित नहीं है कि उस कार्यक्रम में बाधा डालो या उससे बढ़िया बजाने की कोशिश करो। तो इस वक्त इतना अच्छा भाषण चन्नू लाल ने दिया है कि उसके ऊपर हमें भाषण देना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रसन्ना परिवार दुनिया को प्रसन्न करें, इनका संगीत में उच्च कोटि का नाम हो, ये देश दुनिया में फले फूले। ये प्रसन्ना परिवार शुरू से ही गुरु भक्तों का भक्त रहा है, इसीलिए इन लोगों में गुरु भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और आज इन लोगों ने जो हमें बुलाया है, हम इतना अस्वस्थ होते हुए भी इन लोगों के लिए यहाँ आप लोगों की सेवा में आ गए हैं। और विष्णु का हमने बहुत सा प्रोग्राम सुना है, एक आध दो घटना ऐसा है जो कहना उचित नहीं है, मगर किसी सहनाई वादक के साथ ये एक बार बैठ के बजाने लगे तो इतना अच्छा बजा गए कि उस सहनाई वादक वादक ने कसम खा ली कि प्रसन्ना के साथ हम बजाएंगे नहीं। तो ये इनके में बड़ा गुण था, विष्णु का सहनाई हमने बहुत सुना और बहुत अच्छा ये बजाते थे, बहुत सुर में थे, बहुत सभ्यता में इनका सहनाई बजती थी, कहीं ओछा पर नहीं था, बिल्कुल शास्त्रीय संगीत में ओतप्रोत थे। इनको भगवान अपने दरबार में बुला करके इनको स्वर्ग में स्थान दे, इन्हें पूर्ण विद्या का अनुभव तो था ही, वहाँ इनको सम्मान मिले, ये हमारी शुभकामना है। और राजेंद्र जो इस वक्त कई गुणों में बिल्कुल पूर्ण हैं, जैसे शहनाई भी वो अच्छी बजाते हैं, बांसुरी भी वो अच्छे बजाते हैं, और सबके ऊपर एक चीज है
कि सोसाइटी का भी बड़ा प्रभाव कलाकार के ऊपर पड़ता है, मगर ये प्रसन्ना परिवार हम लोगों के साथ सम्मिलित होकर के ऐसे ऐसे ऊंचे लोगों का साथ किया है, ऐसे ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और बड़ों का आदर किया है, जिससे आज इन लोगों को भगवान ने काफी ऊंचा स्थान दिया है। और इस पर चाहेंगे तो राजेंद्र अपने शिष्यों को, अपने बाल बच्चों को बहुत ऊंचा स्थान दिलाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि वही गुरु बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। तो इन राजेंद्र में ये गुण है, वो जाएंगे तो जरूर कुछ अच्छे अच्छे कलाकारों को बनाएंगे और अपने बच्चों को शिक्षा देंगे और वो भारत का नाम उज्ज्वल करेंगे। इसी आशीर्वाद के साथ आप यहाँ उपस्थित होकर के और समय पर, समय थोड़ा ज्यादा हो गया मगर कोई बात नहीं, समय पर आ गए हैं तो बनारस है, जैसे चंद्रलाल ने कहा है कि आना सलाना रहता है, बगैर भानुमूर्ति जाने कौन आने वाला है, इसलिए चलिए आप लोग आ गए हैं और हाल में देखने को मिल रहा है कि हाँ अच्छे लोग आ गए हैं और सुनने वाले आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी अपने विशेषज्ञ मुखर्जी महोदय से कि एक क्षण आप रुके और राजेंद्र प्रसन्ना जी से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें, परम श्रद्धेय पद्म विभूषण पंडित किशन जी महाराज को पंडित राजेंद्र प्रसन्ना अभिनंदित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और अशोक कपूर जी से निवेदन है कि हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित चंद्रलाल कृष्ण जी को अभिनंदित करें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दर्शन दीर्घा के अग्रिम पंक्ति मंडल स्थान लें और कुछ ही क्षणों में संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा।
महान गुरुजन मेरे सामने हैं, दो मुश्किल आपके सामने मैं बजा रहा हूँ, ये राग बजाया हूँ आपके आशीर्वाद से। पंडित जी को देख के चेती है चेता जो मूड में है तो चेती है। कोशिश करो, एक्चुअली अनाउंसमेंट कर रहे थे वो हमारे गुरुजन का नाम नहीं बोल पाई सर समय की वजह से, लेकिन गुरु के बिना हम बेकार हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है मेरे चाचा जी पंडित विष्णु प्रसन्ना जी की याद में, तो इस घराने में एक्चुअली जो बांसुरी लाई गई है वो मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी की देन है। बहुत सारे बनारस के लोगों को नहीं मालूम है और बहुत लोगों को मालूम है, और क्योंकि बहुत विद्वान पंडित नंदलाल जी उनके घराने से अलग हमारा घराना कोई मेल नहीं है, कोई उनका वो अलग है बिल्कुल। ये है कि मेरे पिताजी की शुरुआत मेरे पिता दादाजी से पंडित गौरी शंकर जी, जो उनका अपना उन लोगों का स्टाइल था, और मेरे पिताजी पंडित दावजी मिश्रा जी से सीखे हैं। तो उसके बाद अपने घर के जो बच्चे थे जिसने विष्णु जी अनंतलाल जी भोलानाथ जी ये सभी लोगों को पिताजी ने सिखाया। उसके बाद एक बहुत महान गुरु ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद जी मिश्रा जी के पास भेजा, इसलिए कि ठुमरी जो बनारस की चीज है उनके पास है, इसलिए उनको सीखने के लिए भेजा। और हमारे अंदर भी पिताजी के वो ब्लड से उनके आशीर्वाद से वो सब चीज़ें अपने आप आ गई, हमने उनका आशीर्वाद दिया गुरुजन का पंडित महादेव मिश्रा जी का। लेकिन कैसे सीख पाया हूँ कैसे कर पाया हूँ आपके समक्ष सुनाता हूँ। Thank you.
क्या बात है, ये बनारस का ही कमरा है।